पंजाब में मजदूरों को नशा देकर मजदूरी कराने के मामले में पंजाब को लिखी चिट्ठी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि मीडिया ने रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया है। चिट्ठी में सिर्फ मानव तस्करी सिंडिकेट्स का जिक्र किया गया था। आगे ये भी कहा गया कि गृह मंत्रालय ने सिर्फ पंजाब सरकार से समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया था। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सब्सिडी की का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुद्दा पीएम मोदी के सामने उठाया। डीबीटी केंद्र सरकार की योजना है जिसमें सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में जाती है। सीएम अमरिंदर सिंह ने इस मामले में पीएम मोदी से मीटिंग के लिए समय मांगा है और कहा कि मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाए। कैप्टन ने चिट्ठी में कहा कि जब तक इस मामले में आम सहमति नहीं बनती तब तक फिलहाल मौजूदा प्रणाली ही जारी रहे। बता दें कि कुछ दिन पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने डीबीटी योजना को एक साल तक स्थगित करने की मांग की थी। एक बार फिर से पंजाब के सीएम ने किसानों के भुगतान की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने की मांग पीएम से की है।